Good morning, students. Today we are going to understand question answers of my observation social science. So just take out your social science books, part 2, grad 3, and open your page number 37. Yes, students, we have already read this chapter. Yeah. And now it's time to checkpoint. We will do fill-ups, and the first fill-ups is, are large land masses on earth? Yes, क्या होगा? Large land masses on the earth. मैं आपको बता चुकी हूँ चैप्टर जब ने रीड किया है, ठीक है? तो आप यहाँ लिखेंगे continents. किससे बना हुआ है? पूरा continents ही continents हैं. हमने 7 continents पढ़ा है ना? Yes, तो आप यहाँ लिखेंगे continents. Next, there are 5 major in the world. There are 5 major oceans in the world. Second में आप लिखेंगे oceans. C, देखिए, Canada, Mexico and the United States are the 3 major countries of North America. किसकी major countries 3? North America की. डीपर आप आ जाइए, डीपर आप लिखेंगे अंटार्कटिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर देयर आर नो कंट्रीज. कौन सा है वो कॉन्टिनेंट? अंटार्कटिका. गॉट इट? नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे आप मेरियाना ट्रेंच इज अ क्रिसेंट शेप्ड ट्रेंच लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन. इसमें आप लिखेंगे मेरियाना ट्रेंच. एंड नेक्स्ट मैचअप्स एशिया आप लिखेंगे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट. ए आपका कहाँ मेंशन होगा? यहाँ पर बिगेस्ट कॉन्टिनेंट यहाँ आप ए लिखेंगे. नेक्स्ट अफ्रीका ये आपका आ जाएगा सहारा डेजर्ट में बी यहाँ मेंशन करेंगे. नेक्स्ट यूरोप सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट मेंशन किया. नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया आइलैंड कॉन्टिनेंट. एंड द लास्ट वन इज साउथ अमेरिका अमेजोन रिवर. कंप्लीट स्टूडेंट्स, come on the page number 38. Yes, question number 3 पर देखिए students, complete the given table. आपको यहाँ पर table दी हुई है, ठीक है? इसे हमें complete करना है. कैसे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है largest island in the world, ठीक है? जिसे क्या बोलेंगे हम? island, जो largest island है in the world, संसार का, उसमें आप लिखेंगे Greenland. Got it? Next, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सबसे छोटा देश यहाँ लिखेंगे आप वेटिकन सिटी जो हमने एक्सेट्रा में रीड किया है. नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अब सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन एशिया द वर्ल्ड सॉरी बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एशिया तो आएगा ही सही लेकिन मैंने क्वेश्चन में ही आंसर बोल दिया था. तो आप देखिए सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट आपका होगा वो है एशिया. नेक्स्ट बिजिएस्ट ओशियन अटलांटिक अभी हमने किया है डिस्कवरिंग में भी. लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा डेजर्ट. लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नील रिवर. लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड पैसिफिक ओशियन. ठीक है, लार्जेस्ट भी है एंड डीपेस्ट भी है. यस, क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम. करेक्ट करके उसके बाद हमें इसे लिखना है. देखिए इंडियन ओशियन इन द कोल्डेस्ट ओशियन तो आप लिखेंगे इंडियन ओशियन नहीं है वो है अंटार्कटिक ओशियन जो सबसे कोल्डेस्ट है. तो आप यहाँ इंडियन ओशियन की जगह आपका क्या होगा? अंटार्कटिक ओशियन इज द कोल्डेस्ट ओशियन. गॉट इट? बी पर देखिए साउथ अमेरिका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विद नो कंट्री. साउथ अमेरिका सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई कंट्री नहीं है. तो वो साउथ अमेरिका नहीं है स्टूडेंट्स, वो है अंटार्कटिक. तो आप यहाँ पर लिखेंगे अंटार्कटिक इज द ओनली कॉन्टिनेंट विद नो कंट्री. एंड द लास्ट दिस पेज नंबर, इस पेज नंबर का लास्ट, द अंटार्कटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. तो वो अंटार्कटिक नहीं है बिजिएस्ट, वो है अटलांटिक ओशियन. ठीक है, द अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. एंड नेक्स्ट पेज नंबर 39. डीपर देखिए स्टूडेंट्स, अमेजोन इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन साउथ अमेरिका. क्या जो अमेजोन है वो आपका सबसे
बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, डेजर्ट है साउथ अमेरिका का, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अमेजोन इज द हाइएस्ट वाटर फ्लो इन द साउथ अमेरिका. गॉट इट. नेक्स्ट, अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट दैट हैज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट. तो अंटार्कटिका इज द कॉन्टिनेंट दैट हैज़ अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट. हॉट नहीं, कोल्ड आएगा. यस, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ जाएंगे, जहाँ स्टूडेंट्स हमें इसका आंसर क्या देना है, व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बताएंगे कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, नेम देम, उनके हमें नेम भी मेंशन करने हैं. लेट्स बिगिन. ओके, लार्ज लैंड मासेस ऑन अर्थ आर नोन एज कॉन्टिनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिख देंगे, लार्ज लैंड मासेस ऑन अर्थ आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. कितने हैं कॉन्टिनेंट्स, 7. फर्स्ट इज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया. ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन ओशियन. अब हमें जैसे कॉन्टिनेंट के बारे में बताया, वैसे हमें ओशियन बताना है, ओशियन क्या होते हैं और वो कितने हैं, उनके नेम मेंशन करने. सो लेट्स स्टार्ट. यस, ओशियन, लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ सोल्ट वाटर. वाटर बॉडीज तो है बट किसके साथ में, सोल्ट वाटर ऑन अर्थ आर नोन एज ओशियन. द 5 ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर, फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड लास्ट अंटार्कटिक ओशियन. कंप्लीट. यस, पेज नंबर 40 पर हम आ जाएंगे. यस स्टूडेंट्स, पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, ये आपको एज अ होमवर्क करना है. देखिए क्या करना है, अनजम्बल्ड, ये सही तरीके से नहीं है, ये अनजम्बल्ड है, ठीक है, इसे जम्बल करना है, मीन्स सही तरीके से करेक्शन में इसे करके यहाँ लिखना है. जम्बल वर्ड्स एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन. इनमें कॉन्टिनेंट और ओशियंस की नेम लिखे हुए हैं, वो आपको इसे अरेंज करके लिखना है, ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे. एंड कम ऑन द पेज नंबर 41. 41 पर क्वेश्चन नंबर 9, कैटेगरीज द फॉलोइंग इन द कॉलम ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन. यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कॉन्टिनेंट्स भी मिलेंगे और ओशियंस भी लिखेंगे, जो हमें इस टेबल में से क्या करना है, सर्च करके इस कॉन्टिनेंट और ओशियन में हमें फिल करना है. जो कॉन्टिनेंट की कैटेगरीज है वो कॉन्टिनेंट में आ जाएंगे और जो ओशियन की कैटेगरीज है वो ओशियन में. सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्टिनेंट में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया. ये आपका कॉन्टिनेंट में हो गया. एंड ओशियंस में आप लिखेंगे पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सॉरी आर्कटिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन. आप इसके साथ में ओशियन लगाते जाएंगे. मैंने एक बार यहाँ लिख दिया, उसके बाद आप जब ये इनके नेम मेंशन करेंगे तो आप ओशियंस लिखते हुए जाएंगे. यस, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why is the Atlantic Ocean one of the busiest ocean in the world? क्यों है ये सबसे ज़्यादा busiest ocean? लिखिए, Because many ships travel through this ocean. क्योंकि बहुत सारे जो ships हैं वो travel कर रहे हैं इस ocean से, transporting goods, अपने जो goods होते हैं, जो भी सामान होते हैं, माल होते हैं, उनको transporting means लाना, ले जाना. The continents of America, Africa, यूरोप एंड एशिया. गॉट इट. आपका आंसर कंप्लीट होता है. एंड हम आ जाएंगे पेज नंबर 42 पर. 42 में स्टूडेंट्स पेज नंबर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर ओशियंस इम्पोर्टेंट. ये ओशियंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं. गिव एनी 3 रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. हमें 3 रीजंस देने हैं ताकि हमारे आंसर को क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके. तो लेट मी स्टार्ट. ओशियन आर इम्पोर्टेंट टू अस. ओशियंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे आर होम टू लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में एनिमल्स और प्लांट्स की जो लिव्स, रहने के जो होम्स होते हैं वो ओशियंस हैं. लिव इन द ओशियन, जो ओशियन में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं.
सेकेंड लिखेंगे आप दे आर अ रिच सोर्स ऑफ सोल्ट एंड अदर इम्पोर्टेंट मिनरल्स. नेक्स्ट लिखेंगे इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑयल इज ऑल्सो ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द ओशियंस. ये आपके थ्री रीजन्स हमने दे दिए हैं. यहाँ आपका आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 11 का. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2. गिवन बिलो इज द वर्ल्ड मैप, कलर द कॉन्टिनेंट इन विच योर कंट्री लाइज, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द ओशियन दैट लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया. ठीक है स्टूडेंट्स, मैप में हमें शो करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एशिया. ठीक है, कॉन्टिनेंट और क्या बताना है हमें, सिर्फ साउथ ऑफ इंडिया ओशियन का. ठीक है ना, तो आप लिखेंगे एशिया और नेक्स्ट जो ओशियन पूछा है वो है आपका इंडियन ओशियन. ठीक है, इंडिया के नाम पर ही है ये ओशियन, तो आप यहाँ लिखेंगे एशिया और यहाँ आपका होगा इंडियन ओशियन. क्वेश्चन नंबर 12 में जो मैप आपको कंप्लीट करना है वो इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर हम आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 13 एज अ होमवर्क आपको करना है. गॉट इट, यहाँ पर आपको कुछ क्लूज देख लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन रीड करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे पहले कंप्लीट करना, देन उसके बाद में इनके नेम्स यहाँ आप मेंशन कर देंगे. गॉट इट स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क. थैंक यू, बाय बाय क्लास.